आरजेडी से राज्यसभा सदस्य मनोज झा द्वारा सदन में एक बयान को लेकर जमकर बवाल मचा हुआ है। बिहार सहित पूरे देश में खूब राजनीतिक बयानबाजी हो रही है। वहीं इस पर आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने गुरुवार को अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि मनोज झा बहुत विद्वान आदमी है, सही बात बोले हैं। कोई ठाकुरों के खिलाफ उन्होंने कुछ नहीं बोला है। नाम लिए बिना आनंद मोहन को नसीहत दी। उन्होंने कहा कि जो सज्जन लगातार प्रतिक्रिया दे रहे हैं उनको संयम बरतना चाहिए, बयानबाजी से परहेज करना चाहिए। ठाकुरों के अपमान वाले बवाल पर आरजेडी सुप्रीमो ने कहा कि कोई अपमान नहीं हुआ है। बता दें आपको कि 21 सितंबर को महिला आरक्षण बिल पर चर्चा के दौरान राज्यसभा में आरजेडी सांसद मनोज झा ने कविता को सुनाते हुए ठाकुरों का जिक्र किया था। अंदर के ठाकुर को मारने की अपील की थी। उनके इस बयान के बाद से लगातार विवाद हो रहा है। आरजेडी के अंदर भी घमासान मचा हुआ है। आरजेडी विधायक चेतन आनंद भी उनके खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। इसके साथ जेडीयू और बीजेपी भी मनोज झा के हमलावर हैं। हो रहा है आजकल, कैसे देखते हैं? क्या ठाकुर वर्सेज ब्राह्मण, मनोज झा ने ठाकुर पर कविता कही जिसको लेकर आपके पार्टी के विधायक? मनोज झा जी विद्वान आदमी है, सही बात वो बोले हैं। कोई ठाकुर कोई राजपूतों के खिलाफ उन्होंने नहीं कहा है। जो सज्जन रिएक्शन दे रहे हैं वो अपने कास्ट में सीएम के लिए वो प्रसिद्ध आदमी है, वो परहेज करना चाहिए सब बात बोलने से। चेतन आनंद ने विरोध जताया, कोई समाज का अपमान नहीं हुआ है। सब चेतन आनंद आपके पार्टी से विधायक है, उन्होंने भी विरोध किया है, क्या कहेंगे? पार्टी में हम अपनी बात रखेंगे, उतना ही बुद्धि है तो क्या कहा जा रहा है। मुख्यमंत्री से मिलने गए थे सर, मुख्यमंत्री है, ज्यादा कदा चले आते हैं मेरे यहाँ और हम गए जाते रहते हैं, हम भी जाते हैं, रेस्पेक्ट करते हैं। फिर